अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्टी शेफ स्पाइस। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। तो ये सबसे पहले हम डो बनाते हैं भटूरों की। ये मैंने 4 कप मैदा ले ली है, 2 आलू है मेरे पास, इसका बनाऊंगी पेस्ट। ये 4 चम्मच ऑयल है, 4 चम्मच सूजी है, 1 कप योगर्ट है, और ये पानी है, और ये 1/2 चम्मच मेरे पास है बेकिंग सोडा, ये डाल दिए मैंने, 1 चम्मच नमक। अब मैं ऑयल शामिल करूँगी इसमें, सूजी जाएगी, योगर्ट जाएगा। ये जो आलू थे मेरे पास पेस्ट बना लिए मैंने, अब ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें। ये आलू से सॉफ्ट बनेंगे, अब हाथों से मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। डो हमारी बन के तैयार हो गई है, तो मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो भटूरे की डो हमने बना के रख ली है, तो अब मैं ये छोले बनाना शुरू करती हूँ। ये तकरीबन 3 पाव मेरे पास छोले हैं, ये आलू और चने का पेस्ट है 1 कप योगर्ट है, 3 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश मिर्च, 1 टीस्पून चना पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर। ये 1 प्याज है बड़े साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1/2 कप मैंने ऑयल डाल के रख ली है पैन में, तो अब मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है, तो अब मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको तकरीबन हम 2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अब मैं ये शामिल कर दूंगी सूरत मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। और साथ ही ये मैं शामिल कर दूंगी आलू और चने का पेस्ट। दो मिनट इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये आलू और चने के पेस्ट को हमने तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई कर ली है, तो अब ये जो मसाले हैं मैं शामिल करूंगी, ये चना पाउडर, काली मिर्च, क्रश मिर्च और आमचूर पाउडर। अब मैं ये चने शामिल कर दूंगी इसमें। चनों को हमने तकरीबन 5-6 मिनट भूनने अच्छी तरह। तो अब मैं ये योगर्ट शामिल कर दूंगी इसमें। योगर्ट के साथ भी 2-3 मिनट भूनेंगे।
अब ये छोलों का निकला हुआ पानी है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ज़्यादा पतले नहीं करने हमने, बस इतने पानी डालने। दो तीन मिनट के लिए मैं ऐसे कवर कर दूंगी। ये 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, तो ये ग्रेवी अच्छी तरह बन चुकी है, पक चुकी है। अब हम करते हैं इसे डिश आउट। ये भटूरों के साथ जो छोले बनाए थे हमने बन के तैयार हो गए हैं। ये भटूरे बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे पेड़े तोड़ के रख लिए हैं, तो आप बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी भटूरा। ये एक भटूरा बन के हमारा तैयार हो गया, तो हम निकालते हैं इसे बाहर। छोले भटूरों की डिश बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।